जो और बड़ी तारीफ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 20-25 हजार लोग 30 हजार के करीब लोग नमाज पढ़ते हैं और मैं सदर मुहतरम जनाब अलाम और अपने जमात के साथ बड़ी कुर्बानी और कोशिश से आपने इसको सींचा संवारा है और कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह आप ही के जिम्मे ये काम है, अल्लाह के फजल से काम होगा। हम नियाज पाशा साहब से गुजारिश करते हैं कि अगले काम के ताल्लुक से ईदगाह के ताल्लुक से मुख्तसर कुछ बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की भरपूर मैं मुबारकबादी आपके सामने मुबारकबादी का गुलदस्ता आपके सामने पेश करता हूं। आप हम लोगों की रमजान जो है माशाल्लाह बेंगलुरु शहर के अंदर बहुत इत्मीनान से बहुत तरतीब से गुजरा और हम सब ने रोजे रखकर अल्लाह के पास मकबूलियत की निशानी हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद रखिएगा कि अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ कर दे इस रमजान के महीने में, हम सबको इसी रमजान के जरिए से हम सबको जन्नत का रास्ता बता दे। और दूसरी बात, जहां तक ये ईद का मसला जो है, आप लोगों को मालूम है कि एक साल के पहले यहां पर 2-2.5 हजार आदमी में ईदगाहपुर में लगा था और बाकी जो लोग हैं रास्ते पर नमाज पढ़े नहीं पढ़े चले गए या फिर उसकी दूसरी ईदगाह में तलाश करते हुए जा रहे थे। अभी अल्लाह ने इतना ऊंडा निजाम बना दिया कि 22 से 23 हजार आदमी हम आप अंदर हैं, कहेंगे ईदगाह की हुदूद में है, ईदगाह हाथ नहीं छोड़ा, यहां तक लगाकर काम पहुंचाए हैं। अभी एक साल से कुछ दिखा ही रुक गया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं, इस काम को आगे बढ़ाकर ये सामने वाला ईदगाह शहीद करकर हम और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम यहां के मुसलमानों को सभी अंदर आकर नमाज पढ़ने की जगह दी जाएगी इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। और जो है यहां पर काम बहुत बाकी है। देखिए मैं नाम के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। ना मुझे नाम चाहिए ना मुझे इनाम चाहिए, बस मुझे अल्लाह के लिए काम चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे बातें करकर आपको फुसला घिसला कर मैं बात नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। अगर मुझे मौका मिला या किसी और को भी मिला तो मैं उनके साथ रहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मेरे साथ मेरी जितनी पुरानी टीम है उनके साथ नई टीम भी रहेगी। इंशाल्लाह इस काम को अगले साल तक अंजाम देंगे। नहीं सदर साहब, आपको कुछ तकलीफ हो गई होगी किसी के शरारत से जो काम नहीं बंद हो गया, लेकिन सब तमाम आवाम आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। पूरे आवाम के दुआ से इंशाल्लाह ये ईदगाह बिल्कुल दुबई की तरह ये ईदगाह बनेगा और बहुत खूबसूरत ईदगाह। आप लोग थोड़ा साथ देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, क्या 4-5 हाथ उठे तो क्या हुआ, हजारों के हजारों के हाथ कितना चाहिए मुझे। हाँ सदर साहब ये कह रहे हैं कि आइंदा जब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो ये सब जंगलात नजर नहीं आएगा और इतना अच्छा नजर आएगा कि देख रहे हैं कि किसी साहब ने अब्दुल करीम साहब उनके लिए दुआ कीजिए। इसके गार्डन वाले जिनको बाबू बोलते हैं उन्होंने मैक आपके लिए इंतजाम किया है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि हमारे लिए दुआ करें। और दूसरी बात जो है यहाँ का हिसाब किताब तो पिछले साल हम दे चुके हैं, 14 लाख का अभी यहाँ जो काम किया है उसका खर्च बाकी है, उसमें थोड़े बहुत पैसे हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं, 4-5 लाख के करीब इकट्ठा किए हैं, अभी 9 लाख की जरूरत है यहाँ के खर्च को अदा करने के लिए। यहाँ इसमें गैर फूल का भी खर्च है, यानी कि कांग्रेस वाले का भी है, इटाची वाले का भी है, अगर ये खर्च हम रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज का भूल नहीं हुई। आप लोग सोचना चाहिए कि सोच के अंदर लाखों का मजमा है।